ये 24 वोल्ट डीसी प्रोड्यूस करती है, या यूं कहूं कि ये 24 वोल्ट डीसी लेती है तब चलती है ये वाली मोटर, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, इसके अंदर ये वाली मोटर फिट होती है, जैसे ये दो मोटर है, हाँ तो ये फिट है। अब इसके अंदर ये क्या लगी हुई है, मैग्नेट लगी हुई ना, हाँ। अगर हम मैग्नेट लगा के इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करें तो बताओ क्या ये घूमेगी कि नहीं घूमेगी, घूमेगी। तो सबसे पहले यही टेस्ट कर लेते हैं कि हम सबसे पहले इसमें क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट लगा दें। तो इलेक्ट्रिक करंट लगाते हैं, चलो ये चार्जर है, इस चार्जर की हेल्प से हमें 12 वोल्ट करंट मिलेगा, ठीक है ना, 12 वोल्ट का। जैसे अपन 12 वोल्ट करंट इसको प्रोवाइड कराएंगे, करा दें तो कनेक्ट कराओ इसे, चालू मत करो, एक बार बंद करो, बंद करके जोड़ देना इसको। अब ये 12 वोल्ट है तो ज्यादा खतरनाक भी नहीं होगी, ठीक है ना, 12 वोल्ट इसको प्रोवाइड करा रहे हैं। चलो चालू करो बटन, ये 12 वोल्ट मिला लेकिन घुमा नहीं घुमा। लेकिन जैसे ही अपन क्या लेके आएंगे, मैग्नेट लेके, तो क्या करना चाहिए, घूमना चाहिए, दूसरा मैग्नेट भी लेके दूसरी साइड से, नहीं नहीं तो थोड़ा सा उधर के, तो थोड़ा चलो घुमाओ लेके आओ, ये देखो घूम रहे हैं ना, हाँ ये अच्छा है, देखो कितनी तेज घूमने लग गया, बहुत तेज घूम रहा है। तो अब ये हो क्या रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको उसको प्लेस कर दिया, उसके अंदर रखते देखो कितनी स्पीड से घूमने लग गया। यही क्या अपना मोटर है, किसी भी चीज़ को घुमाना होता है ना तो यही घुमा देती है, हर एक के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता ही है, ओके। अब अपना काम क्या है, अपना काम है बिजली बनाना एक तरीके से, ठीक है ना, यानी हमने इसको घुमाया मैग्नेटिक फील्ड में तो भी तो क्या प्रोड्यूस होगी, बिजली बननी चाहिए ना, हाँ। तो इसको हटा दो, अभी इसको हटा दो, है ना, हटा दिया, ये छोटे वाली है ना, हाँ। अब क्या करो, ये जो मोटर है इसको इसके अंदर फिट कर देते हैं, तो इसमें पहले से क्या लगी हुई है, मैग्नेट लगी हुई है, अब इसको फिट कर दें, चलो तुम करो फिट इसको अच्छे से, हाथ हाथ के ना लग जाए, ना रखिए, होगी, चलो दूसरे वाला दो। ये दोनों इसके अंदर क्या है, कार्बन बर्स हैं, और कार्बन बर्स के ऊपर ये जो दिख रहा है ना जो कॉपर वाला, इसके ऊपर जाके टच हो जाएंगे दोनों, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो इन दोनों के एंड्स के अक्रॉस आ जाएगा और वो यहाँ पर भी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर अगर कोई डिवाइस लगाएंगे तो वो क्या होगा, उससे काम करना शुरू कर देगा। ये पूरी अपनी तैयार हो चुकी है डीसी मोटर, कहूँ मैं इसको, तो अगर अब इसके अंदर वो वही है अपनी, इसको अगर रोटेट करेंगे यहाँ पर, जैसे रोटेट करें मैग्नेटिक फील्ड है तो इसे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा करंट। देखो ये वो मोटर है जिसके दो दो तार हैं और ये बल्ब है अपने पास, ये 100 वाट का है, तो ये 24 वोल्ट बनाएगी, अगर ज़्यादा से ज़्यादा बनाएगी तो मेरे ख्याल से चल जाना चाहिए, अगर हमने इसको अच्छे से स्पीड से घुमाया तो। अब क्या है, साइकिल की हेल्प से इस वाली चीज को रोटेट कराते हैं, ठीक है ना, तो अंदर वाली जो मोटर है वो अच्छे से रोटेट हो रही होगी, ठीक है, तो कोशिश करते हैं, अपना काम हो जाना चाहिए, घुमाओ, चला तेज तेज और तेज और तेज, जला 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 जला, रुको रुको रुको, अब हमने क्या किया है, वो 100 वाट के बल्ब की जगह ये 7 वाट की एलईडी ले लिए, ठीक है ना, अब इसको घुमाते हैं तो शायद ये अच्छे से जलनी चाहिए, घुमाओ और जोर से, ये रुको, अलाउ नहीं करता, इतना 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 जोर से घुमाने जोत नहीं, धीरे धीरे घुमाओ तो भी चलेगा, घुमा जली 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 जली,
ये जल गई। बस इतनी ऊपर मत ले जाओ इस वीडियो। तो देखो ये अब क्या हो रहा है, यहाँ से जब हम उसको घुमा रहे हैं, घुमाओ घुमाओ घुमाओ, ये देखो कितनी जोर से जल गई इस बार, है ना। हाँ बस अब रोक दे।